आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने पूरी तरह से कर ली है। तमाम राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को आप बखूबी देख रहे होंगे। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुकी है, एक तरीके से प्रचार स्टारक के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा देखी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि राजस्थान हो वहाँ पर प्रियंका गांधी दिख रही हैं, मध्य प्रदेश हो वहाँ पर प्रियंका गांधी दिख रही हैं, अब हिमाचल में भी प्रियंका गांधी दिख रही हैं। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर देता हुआ नजर आएगा, इसकी तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के लिए बखूबी मैदान में उतर रही हैं ताकि यहां पर वो चुनाव जीत सके। राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर थे, यूरोप से यहां पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, केंद्र सरकार को समझाया कि हकीकत में धर्म को किस तरीके से लेना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हिंसा ही भड़केगी। तमाम तरीके से यहाँ पर चुनौती देने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए हैं और राहुल गांधी के कद को बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में कूद चुकी है। अब ऐसे में 2024 के चुनाव के लिए कई जगहों पर, कई राज्यों में और कई जिलों में बात कही जा रही है कि कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। अमेठी से राहुल गांधी की चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश के कई और जिलों से प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर लोकसभा चुनाव पीएम चेहरे के रूप में भी लड़ते हुए नजर आएंगे। इस बात का दावा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस करता हुआ नजर आ रहा है। ये फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है कि अब यहाँ पर राहुल गांधी पीएम चेहरे के रूप में उतरेंगे और एक बड़ा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब ऐसे में चुनाव आयोग का भी यहाँ पर संज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि जब मानहानि का केस दर्ज हुआ था तो चुनाव आयोग ने ही राहुल गांधी को समय दिया था कि यहाँ पर आप समय लीजिए और यहाँ पर उसके बाद हम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच में राहुल गांधी के बीच कई विवाद खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी ने तमाम विवादों को सुलझा लिया। अब ऐसे में क्या चुनाव आयोग कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आएगा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो कोई बड़ा बदलाव पूरे देश में देखा जाएगा? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।